महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनानी ज्येष्ठ नागरिक व शहर के पत्रकारों को कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया। रविवार को दत्तवाड़ी स्थित गुरुदत्त सभागृह में मनसे जिला उपाध्यक्ष योगेश सनापिक ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मनसे प्रदेश सरचिटनेस हेमंत गडकरी, जिला उपाध्यक्ष मनसे योगेश सनापिक, नागपुर शहर अध्यक्ष मनसे अजय ढोके, उप चिटनीस कामगार सेना गणेश मुदलियार, वाड़ी विभाग अध्यक्ष धनराज ठाकरे, पंचायत समिति सर्कल अध्यक्ष दवला मिट्टी, अमर खंडार तालुका उपाध्यक्ष विनोद आवरी, पीके मोहन के साथ पत्रकार विजय खवसे, गजानन तलमले मंच पर विराजमान थे। कोरोना काल में वाड़ी में पत्रकारों ने सराहनीय कार्य किया। एक पत्रकार सुनील शेट्टी की मृत्यु भी हुई। बावजूद वाड़ी के पत्रकार लगातार खबरों की अपडेट देते रहे हैं, उसी तरह सीनियर सिटीजन ने भी कोरोना काल में जान की परवाह न करते हुए समाज सेवा की। कोरोना काल के भारी समय पर कार्य करने से ज्येष्ठ नागरिकों को शॉल, पुष्प गुच्छ व पौधा देकर सम्मानित किया गया। उसी तरह पत्रकारों को स्मृति चिन्ह व पौधा देकर नवाजा गया। पत्रकार विजय खवसे, सौरभ पाटिल, सुभाष खाकसे, गजानन तलमली, विलास माड़ेकर, दिलीप तरालेकर, नरेश कुमार चौहान को सम्मानित किया गया। ज्येष्ठ नागरिकों में डीडी गजबीय, मान्यवर नागरिक रविंद्र महल्ले, गुंडेराव कोमकर, अंबादास संभलकर, लीलाधर चौधरी, रामकृष्ण राकेट को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए मनसे के पुरुषोत्तम कोठे, सुरेश कायबांडी, सूर्यभान सामरे, नरेंद्र नानोटकर, चरण मेंढे, घनश्याम आड़ी, शुभम कलम्भे, रवि समुद्रे, आशीष निमालकर, राहुल ठाकरे, योगेंद्र निखारे, अरविंद फूसे, मुकेश देवगढ़े, राहुल चोपड़े, राजू गवली ने प्रयास किया। वाणी विभाग आयोजित ज्येष्ठ नागरिक सत्कार समारंभ, त्याचबरोबर समाजाचा आरसा असलेला पत्रकारांचा सत्कार समारंभ, या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित असलेले माझे सहकारी नागपूर नगरीचे सन्माननीय शहर अध्यक्ष अजय ढोके, व्यासपीठावर उपस्थित विजय खवसे साहेब, मोहन साहेब, तलमले साहेब, ज्यांनी या प्रथम कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला, ते माझे उपजिल्हाध्यक्ष योगेश चनापेजी, धनराज भाऊ ठाकरे, विनोद आवारी, अमर खंडार आणि इतर माझे या भागातील सर्व सहकारी संचलनकर्ते, वाढविणारे या छोटेखानी सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्व पत्रकार बांधवांनो, भगिनी। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।